क्लब के आपको अटेंड करना ही है, आप लोग खुद से आए, खुद से आप लोगों ने ज्वाइन किया, तो वो चीज। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम लोग को कौन सा अंडर ग्रेजुएट डिग्री को अटेंड करना चाहिए, ठीक है? सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन टू ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या ओके, तो जैसे एक्चुअल साइंस के साथ में ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा चलता है या फिर ये कम चलता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप लोग कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री परस्यू कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे सबसे अच्छा जो है माना जाता है आपका स्टैट्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, ठीक है? फिर आता है आपका बीकॉम, बीबीए, ठीक है? तो ये सब आपके एक एक हो गए। जैसे बेसिकली मैथ्स ओरिएंटेड या फिर स्टैट्स ओरिएंटेड अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री अटेन करते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है? लेकिन अगर मान लो बीकॉम है, बीबीए है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि सब लोगों का ओपिनियन डिफर करता है। मैंने जो चीज फॉलो किया है, आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो अभी बनी फेलो, ठीक है, शी इज द फर्स्ट वन टू क्वालिफाई फ्रॉम आवर सेंटर, मेघना, शी इज ऑल्सो बीकॉम ग्रेजुएट। तो दोनों अलग अलग चीज है कि आप लोग एक्चुअल साइंस कर रहे हो और आप लोग एक्चुअल साइंस कर रहे हो और आप लोग का अंडर ग्रेजुएट डिग्री, क्योंकि हम लोग कभी आप लोग को ऐसा नहीं बोलेंगे कि मतलब आप लोग को ये चीज अंडर ग्रेजुएट डिग्री में तो सिखाया गया होगा तो हम लोग नहीं सिखाएंगे। तो हम लोग एकदम आप लोग को बेस जीरो मान के चलते हैं, क्या था? आप लोग को कोई भी नॉलेज नहीं है अबाउट दिस कोर्स, ठीक है? आप लोग को किसी भी रकम की कोई भी नॉलेज नहीं है अबाउट दिस कोर्स, ठीक है? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा बात क्या है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट के मन में रहता है कि यार मेरे को तो इको ऑनर्स ही करना है, मेरे को तो स्टैट्स ऑनर्स ही करना है, तो क्या है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉलेज। अगर मान लो तुम लोग का 100 में 100% है, तब तो एसआरसीसी इको हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई गर्ल है तो मिरांडा हाउस हो जाएगा, एलएसआर हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई कैलकाटा से बिलोंग करते हैं तो सेंट जेवियर्स इको में हो जाएगा, कोई मुंबई में है तो वहां का आरए वगैरह में हो जाएगा, ठीक है? एनएम है, तो डिपेंड करता है क्राइस्ट में। तो ये सब क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि इको ऑनर्स इस कॉलेज में मिल रहा है, ले ले क्या? तो अपने मन से क्वेश्चन पूछना कि क्या तुम्हारा प्रेफरेंस है इको, कि तुमको इको ही करना है? क्योंकि जनरली क्या रहता है, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इन तीनों का कट ऑफ हाई रहता है कंपेयर टू बीकॉम बीबीए, ठीक है? तो अगर किसी स्टूडेंट का ये है कि उसको बैचलर्स में भी इको, मैथ्स, स्टैट ये सब का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है बात करके। क्योंकि तुमने अगर ये चीज, और ये चीज खराब नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं चीज बोल रहा अदरवाइज बोल रहा हूं, मतलब अगर किसी ने ये चीज डिसाइड कर लिया है कि उसको ये ही करना है, अब उसमें वो देखेगा जो उसको बेस्ट कॉलेज मिल रहा है वो ले लेगा। और वो तुम लोग मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हो कि कौन सा कॉलेज का रैंकिंग क्या है। अगर सोलली बेस्ड ऑन रैंकिंग जाएंगे तो बहुत सारे रैंकिंग आते हैं इसमें, ठीक है? तो वो तुम लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि यार ये वाला कॉलेज इससे ज्यादा अच्छा है। जैसे एक सिंपल सा कंपैरिजन करें तो हिंदू कॉलेज है और एसआरसीसी इको है, तो ऑब्वियस बात है तुम लोग एसआरसीसी इको में जाओगे, दोनों में हो गया। तो बात ये कि ये जो रैंकिंग वाला जो बात है ना, ये मेरे से मत पूछा करो कि इन दोनों में हो गया इनमें से कौन सा। मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। अब जैसे ये हो गया, और एक बात बताता हूं, जैसे बहुत लोग का मन में ये रहता है कि ये तो नंबर वन है, ये नंबर टू है, वो नंबर वन नंबर टू कुछ नहीं होता है। एक लेवल के बाद सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, ठीक है? और अपने मन में कभी भी एक हार्श या फिर एक भारी दिल मत रखना कि यार मेरा तो इस कॉलेज का ड्रीम था, नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, दुख होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दुखित होने का कोई बात नहीं, ठीक है? अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट जो बोलूंगा तो मतलब जस्ट नेसेंट स्टेज में, अभी तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो वैसा कोई बड़ा चीज नहीं, अगर मान लो ड्रीम कॉलेज जितना मार्क्स नहीं आया, ऑलमोस्ट सबके मार्क्स रिलीज हो गए हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं ना, यू कैन शोकेस योर टैलेंट इन एक्चुअलीज। हाँ, अब आते हैं मेन मुद्दे में। कोई भी कोर्स करो, कॉलेज में मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोर्स करो, कॉलेज में मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपनीज में फिल्टर लगाया हुआ होता है, 70% आपको ही लेंगे,
65% आप कोई लेंगे, 80% आप कोई लेंगे, तो वहां पर फंस जाओगे। वहां पर ये थोड़ी बोला है कि इस कॉलेज से पढ़ोगे तो ही लेंगे, ये कभी नहीं बोलता है। कभी कोई रिक्रूटर ये चीज नहीं बोलता है कि तुम लोग इस कॉलेज से पढ़े हो तो ही लेंगे, कभी ऐसा देखो कभी नहीं बोलता। लेकिन हाँ ये बोल सकता है, कोई भी बोर्ड हो, कहीं भी पढ़े हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तुम लोग को 75% अप चाहिए। मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था कि कॉलेज का मार्क्स कितना जरूरी है। तुम लोग के पास बताने वाला आदमी है कि हाँ भाई कॉलेज का मार्क्स सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मान लो तुम लोग 12th पास करते हो, सबसे पहला चीज क्या आता है, बैचलर्स, उसके साथ में यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स। एक बात समझाता हूं, तुम लोग बीकॉम के साथ एक्चुअरीज कर रहे हो या फिर इको के साथ एक्चुअरीज कर रहे हो, एक्चुअरीज के साथ नहीं कर रहे हो, समझना। प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, मन में अपना है कि अपना एक्चुअरीज ही सोल फोकस है, वो ठीक है, लेकिन बोलेंगे क्या, इको ऑनर्स कर रहा हूं और प्रोफेशनल कोर्स में एक्चुअरीज कर रहा हूं, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कभी भी अंडरमाइन मत करना, पहला बात ये। जितना हो सके कॉलेज को पूरा प्रॉपर टाइम दे के अपने को अच्छा से कॉलेज के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। और एक बात जो मैंने ओवर द ईयर सीखा है, अगर मान लो कोर्स अच्छा और बुरा कैसे होता है, अगर मान लो एक ऐसा कोर्स है जो तुमको 3 साल बाद प्लेसमेंट नहीं दिला पाया तो वो कोर्स खराब है, ठीक है। अगर मान लो तुमने अपना जी जान लगा दिया, तुमने अपना 100% दिया है, तुम्हें कोई कमी नहीं रखी, तुमने कोई कमी नहीं रखी अपने प्रिपरेशन में, और तुमको वो कोर्स प्लेसमेंट दिला नहीं पाया, तो वो कोर्स खराब है, वो कोर्स करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोर्स को हमेशा प्लेसमेंट से रिलेट करना चाहिए, एक ऐसा कोर्स जो तुमको प्लेसमेंट दिला पाए, तो ये कोर्स में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। अब प्लेसमेंट में क्या होता है समझना, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ गेट अ प्लेसमेंट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, ठीक है। आज थोड़ा एकदम आमने सामने है ना, हम लोग एकदम आमने सामने वाली बात कर लेते हैं, एकदम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट में क्या होता है, देयर आर टू सोर्सेस, एक आपके सामने बैठा है, ठीक है। हमारे जितने भी सब लिंक्स हैं, हम लोग का पास पूरा डेटा शीट मेंटेन्ड है, जितने भी बच्चे थर्ड ईयर में जाते हैं उनका पूरा प्रॉपर प्लेसमेंट ट्रेनिंग करवाना, उनको रिक्रूट माने उनको लाइक रेफर करना, सब हमारा काम आता है। बट एक और होता है जिसमें आपको मेरे जैसे आदमी का दरकार नहीं पड़ेगा, वो है कॉलेज प्लेसमेंट। और कॉलेज प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है। तो कॉलेज प्लेसमेंट ऑब्वियस बात है यार, अगर कलकत्ता में सब लोग को एक ही कॉलेज में जाना है, वो है सेंट जेवियर्स कॉलेज। उसका रीजन है, उसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है। तो अगर वो कॉलेज में मिल गया, समझो बात को, चीज को समझना। अब मान लो कंपनीज का रिक्वायरमेंट होता है, कंपनीज का रिक्वायरमेंट होता है कि हम लोग को इको ऑनर्स के स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसा कुछ कुछ कंपनीज का रिक्वायरमेंट होता है। मैं ये बोलूंगा मान लो अगर 100 कंपनीज आ रही है तो 10 कंपनीज ऐसे बोलेंगे कि हाँ भाई हम तो स्टैट्स ऑनर्स से ही लेंगे, भाई हम तो इको ऑनर्स से ही लेंगे। बाकी जो जितनी भी सारी कंपनीज होती है, दे आर हायरिंग फॉर अ ग्रेजुएट रोल एंड दे टेक एंट्रीज फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, इको, मैथ, स्टैट, बीकॉम, बीबीए, ऑल द डिपार्टमेंट्स। एंड इफ यू आर आउट परफॉर्मर देन यू विल बी सिलेक्टेड, ओके। बट द फर्स्ट थिंग इज इफ यू आर नॉट इन दैट कॉलेज देन यू विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आज समझ रहे हो, आज मान लो कोई भी नॉर्मल सा कॉलेज है, ठीक है, और एकदम अच्छा टॉप नॉच कॉलेज है, तो ऑब्वियस बात है ना टॉप नॉच क्यों है, क्योंकि उसके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। अब समझ पा रहे हो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, कॉलेज अच्छा बुरा कैसे होता है, पढ़ाई तो तुम लोग कोई नहीं करेगा वहां पर जाके। अरे हम तो तुम लोग का ही उम्र का है, हमको तो बता ही सकता है, तुम लोग कोई कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं करेगा। हर्ष कुंदनानी बोल रहा है, ये क्या बक रहा है, हम तो पूरा 10-10 घंटा कॉलेज के लिए पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हर्ष मैं अपना बताऊं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा जोश था जब मेरा एडमिशन हुआ सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो फादर फर्स्ट डे इंटरव्यू में, मतलब मेरे भैया का बहुत अच्छा वो है मतलब कॉलेज में, तो मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं, पहले तो मेरे भैया को बोला ओ ही इज योर ब्रदर, तो ऐसे में कहा ऐसे दिखते नहीं आदमी को, बोले ही इज योर ब्रदर, बोले क्या खराब है भाई, खराब क्या भाई, ये तो भाई है। तो फिर भैया से पूछे जा रहा था कुछ, मेरे को बोला कि सुबह 6 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, तुम आ जाओगे, तो हम बोले हाँ सर आ जाएंगे। हम बोले हम तो मेरा ड्रीम कॉलेज है, ये है वो है, समय तो लिख दिए। देखो पहला दिन सुबह 4:30 बजे उठे, फिर अगला दिन मेरे को लगा 5 बजे उठना चाहिए, थर्ड डे तो पीरियड ही मिस हो गया पहला वाला। मतलब लोगों पीरियड में वैसा अटेंडेंस होता है कि 6:40 में भी जा सकते हो, कभी भी कॉलेज जा सकते हो, मतलब वो पीरियड का अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो विद टाइम मतलब तुम ये चीज रियलाइज करोगे, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा से, मैं सीए भी कर रहा था और मैं कॉलेज के लिए भी एकदम फाड़ के पढ़ा था, मेरे को आया था करीब 76-77%। और सेकेंड सेमेस्टर में मैं कुछ नहीं पढ़ा तो मेरे को आया 65-66%। तो मतलब मैं समझ गया ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद क्या हुआ तुम लोग को पता हो ही सकता है,
मैं तुम लोग को ये इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय मेरे को कोई चीज बताने वाला नहीं था कि यार कॉलेज का मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई लैंडेड अप इन वेरी लो स्कोर, आई वॉज मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस इट इज माई फॉल्ट, आई डिडंट स्टडी फॉर कॉलेज एग्जाम्स, बट यस यू डोंट डू दैट बिकॉज इन प्लेसमेंट्स कॉलेज मार्क्स आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. मतलब कॉलेज का मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो अगर आप लोग स्पेशली एक्चुअरीज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा कॉलेज का मार्क्स. ठीक है, तो कॉलेज मार्क्स को बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना है. अब जैसे मैंने आपको एक चीज समझाया कि कॉलेज सिलेक्शन क्या देखना है, कि भैया उसका प्लेसमेंट कैसा है. और प्लेसमेंट बेटा नाम से ही आता है, मैं सच बता रहा हूँ, ये इंडियन एजुकेशन कल्चर है तो है, समझ में आ रहा है कि प्लेसमेंट तो कॉलेज के नाम. अगर तुम लोग देखोगे, आई हैव फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट दोज इन एसआरसीसी को, वो लोग अभी सेकेंड ईयर में है, मतलब थर्ड ईयर में जस्ट गए हैं, एंड दे ऑलरेडी हैव अ पीपीओ ऑफ 17.5 लाख. मैं पर्सनली जानता हूँ, ऐसा नहीं कि सबका लग गया है, बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं. अब अगर तुम मान लो अच्छा कॉलेज में नहीं जाता है तो वो अपॉर्चुनिटी कभी तुम तक आएगा ही नहीं. वो जो अपॉर्चुनिटी है, आज जैसे मान लो कंपेयर करते हैं, आज ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली के जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं और कलकत्ता का जो टॉप कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है. अच्छी अच्छी कंपनीज आती है वहां पर, तभी तो सब बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर. ठीक है, इसलिए तो कट ऑफ इतना हाई रहता है. तो बात क्या है कि प्लेसमेंट्स से हमेशा सोचा करो, कॉलेज में कभी भी डिसाइडिंग हो तो प्लेसमेंट वाइज सोचा करो. अब इसमें ये मेरा एक पर्सनल टेक ये है, जो हो सकता है बहुत लोग कॉन्ट्रडिक्ट करे, वो ये है कि कॉलेज में स्ट्रीम से ज्यादा मैटर करता है कि कौन सा कॉलेज है. ठीक है, अब एक बात समझना, अब आप मेन कंपैरिजन में आते हैं. अगर मान लो कि तुम लोग को एकदम अच्छा कॉलेज में बीकॉम मिल रहा है, ठीक है, और अगर मान लो तुम लोग को नॉर्मल से कॉलेज में इको मैथ्स स्टैट बीकॉम बीबीए सब मिल रहा है, तो वहां पर मेरा ये पर्सनल टेक है कि तुम लोग को अच्छे कॉलेज में बीकॉम करना चाहिए. क्योंकि अगर तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो मैंने ये चीज तुम लोग को अभी बोल दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग इको कर रहे हो, कि तुम लोग मैथ्स कर रहे हो, कि तुम लोग स्टैट्स कर रहे हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो तुम लोग के अंडर ग्रेजुएट डिग्री से ये कोर्स मेरे हिसाब से अनरिलेटेड है. मतलब हो सकता है कि तुम अगर मान लो इको ऑनर्स करोगे तो वहां पे तुम लोग बहुत अच्छा अच्छा मैथ्स स्टैट्स वगैरह पढ़ोगे, तो हो सकता है तुमको कोर्स में हेल्प हो जाए, बट वो मैं भी कर रहा हूं, तो मैं कोर्स का पूरा 100% नॉलेज तुम लोग को दे रहा हूं. तो वैसा नहीं कि तुम लोग वो करोगे तो बोल के ही तुम लोग का अच्छा समझ में आएगा, वैसा कोई बात नहीं है. ठीक है, एंड देयर इज एंड द बीकॉम एंड बीबीए आल्सो हैव अ वेरी गुड नॉलेज बेस. ओके, तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, जो आप लोग सीखना चाहिए, बेसिक आना ही चाहिए सबको. कल को तुम लोग अपना काम करोगे या फिर अपना टैक्स वैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज सबको ही होना चाहिए. ठीक है, एंड एक सर्टेन लेवल पे जाके कॉलेज का जो पढ़ाई है वो बस एक फॉर्मेलिटी बन जाता है. हो सकता है कि 10-20% बच्चों को ऐसा लगे कि यार नहीं, मैं होता है बहुत लोग का, बट हाँ टू अ मेजोरिटी इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी बिकॉज you will be too much occupied with your actual exams. Like the main point will be I need to score good in college. Okay, so moreover this becomes a tendency. Okay, तो उसमें क्या है कि मेरे को ये लगता है कि अगर कोई student मान लो अच्छा कॉलेज में जाता है ना, तो उसका grooming भी वैसा ही होता है. मान लो ऐसा कॉलेज में जा रहा है जहां पर अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है, ते बे ये सब चल रहा है, तो क्या तुम लोग सीख नहीं पाएगा. ठीक है, तो क्या है कि अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज में जाएगा तो क्या है कि अच्छा 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 होगा. मतलब उसमें क्या है कि उस समय ये मत देखना कि बीकॉम मिल रहा है कि बीबीए मिल रहा है. तो वहां पर क्या है, तुम लोग को कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि एक बार मान लो कॉलेज में घुस गया, अच्छा कॉलेज में घुस गया, फिर तुम लोग मैनेज कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है. इतना आपको है कि फिर तुम लोग मैनेज कर लेगा, वहां पर जाके अच्छा कॉलेज में घुस गया फिर क्या है कि वैसे ही ग्रूमिंग होगा, वैसे ही लोगों के संग में रहेगा, हाय हाउ आर यू, मतलब इट्स गुड. जैसे हम पहले बोलते हैं टैक्सी, हम बोलते हैं कैब, तो कैब वाला जो है, जो टैक्सी ये वाला है कलकत्ता में, वो भी नहीं रुकता था पहले स्टार्टिंग में. तो मतलब किसको बुला रहे हैं, मतलब आपको बुला रहे हैं, मतलब वो तो टैक्सी सुना है बचपन से. तो मैंने क्या कि बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी अच्छा कॉलेज चूज करना. जैसे मान लो एक सिंपल सा बात बता रहे, तो नॉर्मल सा कॉलेज में इको में हो गया. अब अगर किसी बच्चे का प्रेफरेंस है कि नहीं उसको तो इको ही करना है, उसको मैथ्स ही करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है, वो भी अच्छा चीज है. आज अगर मान लो सामने वालों को ये कि मेरे को तो भाई इको मैथ्स स्टैट ही पढ़ना है. अब मेरा एक और स्टूडेंट है मेरे गांव का, ठीक है,
तो ही गॉट इन टू अ वेरी गुड कॉलेज इन बीकॉम डिपार्टमेंट, बट ही चोज इको ऑनर्स. ओके, एंड ही हैज डन रियली वेल. ही वॉज फ्रॉम डे वन क्लियर इन हिज माइंड दैट ही नीड्स टू डू इको ऑनर्स. ही कुडंट गेट इन टू द गुड कॉलेज, लाइक वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस इन द इको डिपार्टमेंट. सो ही चोज टू सैक्रिफाइस द कॉलेज. आइदर यू सैक्रिफाइस द कोर्स और यू सैक्रिफाइस द कॉलेज इफ यू डोंट हैव मार्क्स. इफ यू आर हैविंग मार्क्स देन ऑब्वियसली यू नो वॉट इज द बेस्ट थिंग. एकदम टॉप नॉच क्या हो गया, इको ऑनर्स कर रहे हो तुम एकदम टॉप नॉच कॉलेज से. हम लोग तो नॉर्मल बच्चा लोग है ना, तो हम लोग का हो सकता है कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस, हम लोग के लिए तो जीवन का मतलब ही सैक्रिफाइस है. तो क्या कि कहीं ना कहीं तुम लोग को नीचे आना पड़ेगा. तुम लोग अगर मान लो नीचे आता है तो दो चीज में नीचे आ सकते हैं, या तो कॉलेज सैक्रिफाइस करो जो कि प्रेफरेबल नहीं है. मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल दे कॉन्ट्रडिक्ट विद दिस थिंग, बट आई हैव गॉट वैलिड पॉइंट्स. लाइक आई एम क्वाइट ब्लेस्ड दैट आई चोज सेंस. मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को उतना समय आइडिया भी नहीं था. अभी जैसे इतना काउंसलिंग होता उस समय नहीं होता था कि इको मैथ्स. मैंने खाली सेंट जेवियर्स बीकॉम का फॉर्म भरा था, मेरा उसमें नाम आ गया. मेरे को पता ही था कि मेरा नाम आने वाला है. ठीक है, तो वो चीज है. तो मेरे हिसाब से अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे तो क्या है कि ग्रूमिंग होगा. प्लस एवरी कोर्स हैज देयर पॉकेट्स ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस. सो द पॉकेट्स ऑफ प्लसेस एंड माइनसेस क्या है, सबसे पहले जैसे मान लो अगर तुम कोई कॉलेज का जैसे मान लो तुम इको लेता है, तो इको का जो टाइमिंग रहेगा ना वो तुम्हारा 10 से 5 रहेगा, डे टाइमिंग रहता है. तो इको का पढ़ाई भी उतना ही ज्यादा है, इको का पढ़ाई भी उतना ही ज्यादा. तो उसके साथ मैनेज करने में हो सकता है तुमको हल्का डिफिकल्टी हो, लेकिन तुमको कोर्स में सिनर्जी मिलेगा क्योंकि तुम वहां पर भी यही पढ़ेगा और तुम कोर्स में भी वही पढ़ेगा, तो मैचिंग मैचिंग हो गया. तो ये प्लस एंड माइनस हो गया इको मैथ स्टैट का. ठीक है, तुम्हारा दिमाग तेज रहेगा. एक बात हम अभी बोल देते हैं, इको का बच्चा का दिमाग बीकॉम का बच्चा से तेज रहता है. माने इसका रीजन क्या है, जनरल बता रहा हूं, इसका रीजन क्या है तेज, मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि वो लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर रहता है ऑन एवरेज. क्योंकि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम लोग एक्चुअरीज करें, उन लोग को उतना डिफिकल्टी लेवल का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अनुमान नहीं रहता है कि कोर्स में क्या डिफिकल्टी लेवल है. तो हो सकता है कुछ कुछ बच्चे जो आगे जाके मैनेज नहीं कर पाते तो वो लोग कोर्स ड्रॉप लेते हैं. सेम इज विद इको ऑल्सो. इको में भी ऐसा हो सकता है, मान लो वो इको ऑनर्स ले लिया बट उसको उतना नहीं समझ में आ रहा है. तो बोलने का मतलब ये कि एक ये हो गया. दूसरा क्या है, बीकॉम अगर तुम लेता है, जो मेरे को उसका एडवांटेज हुआ, बीकॉम अगर तुम ले रहे हो तो उसमें क्या है कि तुमको बहुत खाली टाइम मिलेगा, या तो तुम अपने आप को पूरा नुकसान कर लेगा. यू व्हाट्सएप ऐसे ऐसे करके कॉलेज में जो लोग लड़का लड़की लोग होता है, तो अगर तुम वो सब करने लग गया तो तुम ना एक्चुअरीज कर पाएगा ना तुम कॉलेज कर पाएगा. मैंने जो काउंसलिंग जो नहीं होता है दादा लोग कॉलेज का, मैंने एक जनरल सेक्रेटरी था, एक तुम्हारा एजी सेक था, ऐसे ऐसे करके दादा लोग होता है कॉलेज में, तो अगर वो सब में चला गया तब तो दिक्कत है. ठीक है, और अगर मान लो तुम उसको जो खाली टाइम है उसको तुम यूज किया कि हाँ भाई हमको एक्चुअली अच्छे से करना है, हमको दो दो पेपर देना है, तो वो क्या है कि बहुत हेल्प करता है. बीकॉम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, पढ़ना कम पड़ता है. मैंने वॉल्यूमनेस नहीं है बीकॉम का पढ़ाई, वॉल्यूमनेस नहीं है, समझ रहे बात को, वॉल्यूमनेस नहीं है. प्लस क्या है कि यहाँ पर हल्का अलग चीज पड़ेगा ना तो बढ़िया रहता है, मैंने एक अच्छा मिक्सचर हो जाता है. तुमको तुमको कोई बोलेगा टैक्स वैक्स के बारे में तो तुमको हल्का आइडिया रहेगा. मैंने पढ़ना तो पड़ता ही है भाई, एग्जाम के पहले ही पढ़ो तो एक तो ध्यान में रहता है इंसान के. एक और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, बीकॉम का एडवांटेज तो बता दिए, डिसएडवांटेज क्या है, कुछ कुछ कंपनीज का रिक्वायरमेंट रहता है. ठीक है, ये मैंने पर्सनली देखा है, कुछ कुछ कंपनीज का रिक्वायरमेंट रहता है कि वो लोग को इको मैथ स्ट्रेटेजी, तो वहां पर अप्लाई नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो ये क्या है कि ये इसका डिसएडवांटेज है. बट मैंने जो चीज फील किया है सबसे ऊपर, मेरा पॉइंट जो मैं रखता हूं, जो मैं सबको एडवाइस करता हूं कि अगर अच्छा कॉलेज में मिल रहा है तो स्ट्रीम में उतना दिमाग मत लगाओ. ठीक है, अच्छा कॉलेज में हो गया मतलब एटलीस्ट तुम प्लेसमेंट्स वगैरह में अच्छा बैठ पाएगा, प्लस तुम्हारा ग्रूमिंग अलग लेवल पे होता है. ठीक है, आज जैसे मुंबई में मैं जानता हूँ 5-6 एकदम टॉप कॉलेजेस हैं. ठीक है, तो उनमें अगर किसी में होता है तो तुम ले लो. ठीक है, उसके बाद देखो कि हाँ भाई ये 2-3 है, तुम्हारे घर के पास में भी होना चाहिए. हर एक चीज इंसान को अपना फिजिबिलिटी देखना चाहिए, खास करके मुंबई में. अब जैसे मान लो मेरे घर से मैं अपना बताता हूँ, मान लो मेरे घर से सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी है 30 किलोमीटर, वो न्यू टाउन साइड में है और मेरा घर टॉलीगंज, समझ रहे हो. मतलब पॉइंट ये है कि अगर मान लो मैं मेरे घर से न्यू टाउन जाऊं
और मैं यहां से दिल्ली जाऊं टाइम बराबर लगेगा, ठीक है, तो मैं वहां से दिल्ली मुंबई चेन्नई सब जगह चले गया और मैं वहां से न्यूटाउन गया, बहुत दूर है, तो मैं वैसा चीज नहीं करता, ठीक है। अब किसी का जुनून ही अलग है कि भाई वो आ रहा है तो अलग बात है, ठीक है। तो ये सब इस दिमाग में सोच के लो कि भाई तुम्हारे घर के कितना रेडियस में है। नॉर्मल क्या होता है, जैसे मान लो 10-12 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग एक दिन में समझ में आता है। सर एक, हाँ मैं क्वेरीज तो लूंगा, क्वेरीज मैं लूंगा, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ पहले। तो दिस इज द जनरल आइडिया कि भाई कैसे कोर्स सेलेक्ट करें, ठीक है। इको मैथ स्टैट अगर बहुत अच्छे कॉलेज में मिल रहा है तो वो ले लो, ठीक है, और अगर मान लो कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है तो कोर्स में करो, तो कोर्स में करो ताकि कॉलेज अच्छा मिले, ठीक है। तो ये चीज है, कुछ कुछ नामी कॉलेजेस जैसे तुम्हारे दिल्ली में है 4-5, उसका तो सबको नाम पता है, SRCC है, LSR है, हिंदू रामजस, ठीक है, और तुम्हारा मिरांडा हाउस है, और बैंगलोर में है क्राइस्ट है, ठीक है, बैंगलोर में क्राइस्ट कॉलेज है, और तुम्हारा कैलकटा में सेंट जेवियर्स है, शिक्षायतन है, भवानीपुर कॉलेज है, सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और कैलकटा में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज का इको बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके बिल्कुल से लिस्ट तो नहीं है बट हमें बता दे रहा हूँ। मुंबई में जैसे तुम्हारा नरसिंह मुंजी है, आरे आरे पोद्दार बोल के कॉलेज है, ठीक है, और तुम्हारा सेंट जेवियर्स कॉलेज भी है मुंबई में, ठीक है। तो ये सब क्या है कि देख के अपना कॉलेज को चूज करो तो क्या है, बहुत वो रहेगा। हाँ, अब तुम लोग का अगर कोई भी क्वेरी है तो तुम लोग हैंड रेस कर सकते हो एक करके। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीकॉम दोनों अगर अच्छे कॉलेज में हो सकता है, दोनों एंटरप्रेन्योर बनना है तो बीकॉम ऑनर्स चूज करिए। बाय साउथ कैंपस प्लीज नेम सम कॉलेजेस, दैट विल बी बेटर। ओके, मानसी गिनोडिया, हाथ कहाँ है आप लोग, आइए सामने ही। मानसी गिनोडिया जी, मानसी सर एक्चुअली हम श्रेय गिनोडिया वो लैपटॉप में गलती से हम नाम चेंज नहीं कर पाए, सॉरी सर, श्रेय गिनोडिया वो एस हो गलती से सर, सॉरी अच्छा, ओ सर। इंटरव्यू में क्या पूछता है, इंटरव्यू में तुम्हारा नाम पूछेगा, और एक एक मिनट, मेरे लैपटॉप में चार्ज खत्म हो रहा है, मैं 1 सेकंड में आया। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ तो सर आप बोल रहे थे ना कि इंटरव्यू में कैसा पूछता सर हाँ, वो वो। इंटरव्यू में तुम्हारा नाम पूछेंगे और ये पूछेंगे कि तुम कौन से स्कूल से हो, और फिर पूछेंगे कि तुम सुबह कॉलेज आ जाओगे, एब्सेंट तो नहीं करोगे, यही सब पूछते हैं जनरल। सर उसमें कोई कट ऑफ का ज़मेला रहता है क्या, मतलब जैसे इस साल तो कोविड हुआ था तो 12th का जो मार्क्स आया सबका ही वैसा आया, तो क्या इस बार कट ऑफ का कुछ है क्या प्रेशर, नहीं, मतलब कट ऑफ उसको। वैसा दिखते रहा हो तो कट ऑफ तो वो लोग बता पाएंगे ना यार, मतलब वो लोग कैसा निकालते हैं। देख कॉलेज में मान ले अगर सीट है 1000 तो 1100 बच्चा लोग को लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो क्या है कि 100 बच्चे ऑटोमेटिकली इधर उधर करते ही है। तो वो चीज ऐसा कोई जेवियर्स का इंटरव्यू में वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं करता उसमें, कुछ वैसा नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई चीज नहीं पूछेगा उसमें। सर इज इट वर्थ टू माइग्रेट टू दिल्ली इफ यू गेट कैंपस, एक्चुअली कुणाल फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, प्लीज बेटा माइक ऑन करके पूछ सकते हो। हाँ, सर राजस्थान अजमेर। नॉट वर्थ इट, नॉट रिक्वायर्ड, तुम जयपुर में ही अच्छे, अजमेर अजमेर बोल रहे हो ना, तो व्हाट इज द गुड कॉलेज इन इन योर लोकल, कहाँ आसपास में।
अजमेर में नहीं है? आवाज तो माइक तो ऑन कर ले। सर इतना मतलब वो लेवल का नहीं है, मतलब कंपेयर करें जयपुर या कहीं और से तो अजमेर में इतना कुछ तो कंपैरिजन में जयपुर इतना। में कौन कौन सा है? सर सेंट जेवियर जयपुर भी जैसे एक ब्रांच है, और कॉमर्स कॉलेज है जैसे एक जयपुर का, और कॉमर्स कॉलेज का मैंने बहुत नाम सुना, तो कॉमर्स कॉलेज में ले लो। बट वहाँ सर शायद इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है, क्या है? वहाँ पर बीकॉम ऑनर्स ही है मे बी। हाँ तो हाँ क्या दिक्कत है, वहां लो बेटा। ट्रैवलिंग तुम समझ नहीं रहे हो बात को। तुम्हारा घर से जयपुर कितना दूर है? हाँ सर अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। 2 घंटा का रास्ता है ना, तो वहीं पढ़ो। उतना दूर दिल्ली जाके कोई सेंस नहीं है। मैंने हम तुमको बोल रहे ना, देखो बेटा हम तुमको एक चीज समझा देते हैं। अभी जैसे कल रात में टीवी में इंडियन आइडल आ रहा था, ठीक है, तो उसमें वो लोग टॉप 10 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, तो वो लोग नंबर 1 के लिए कॉम्पीट कर, लेकिन वो लोग सब विनर्स है। तुम आज तक इंडियन आइडल का इतिहास देखा है? कभी भी जो विनर होता है वो कभी भी मतलब उतना अच्छा आगे, तो वो चीज एक लेवल पे जाके ना सब कॉलेजेस समान होते हैं। इसीलिए तो आजकल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दे आर गिविंग सम रेंज। क्या भाई 90 से 100 में आया तो अच्छा है, 80 से 90 में आया तो ठीक है, ऐसे समझ लो बात को। तो अगर एकदम बहुत ही अच्छा मिले तो तुम शिफ्ट करने का सोचो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। समझ रहे बात को? वो चीज तुमको, ये चीज क्या है ना, अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में वो नाइट क्लब, यो बॉय, नहीं मिलता टाइम, नहीं मिलता है उन सबके लिए टाइम। तुमको घूमने जाना तो तुम 5 दिन चला जाओ, ठीक है। दिल्ली में रहने, जयपुर में रहेगा तो क्या पेरेंट्स के आसपास में रहेगा तो क्या ठीक रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाना, एमबीए एमबीए करने बाहर चले जाना, अभी क्या नॉट रिक्वायर्ड। और अगर मान ले तेको बहुत अच्छा में मिलता, टॉप 5 मिलता तो भी सोचता मैं, बट नॉट रिक्वायर्ड, इतना दम नहीं है तो उतना वैसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो में हाँ बोलो। देन अगर ट्रैवल्स टू दिल्ली जाना फॉर साउथ कैंपस आल्सो यू वोंट रेकमेंड ना? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। यस रे बोलो। सर जैसे आपने कहा कि एक अच्छा कॉलेज में बहुत ग्रूमिंग का वो रहता है, आप तो जेवियर्स ही पढ़े हैं, तो जेवियर्स में ऐसा क्या है जो मीन्स आपको क्या लगता है कि वो लोग ऐसा ग्रूमिंग करता है? मतलब नहीं मतलब कॉलेज तो अच्छा ही है भाई, तो तो सर आपको कुछ लगा है कि सर आपका ग्रूमिंग में हम तो आपको वैसे अच्छा देखने लगता में है? खराब लगते हैं क्या? मतलब मेरा बाल नहीं थोड़ा छोटा सर, छोटा कट गया है, लेकिन ठीक है, तो क्या दिक्कत है? नहीं सर उसमें मैंने बोला मतलब। अरे नहीं अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर सब लोग से मिलेगा ना, मतलब तो सभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनता है, आगे काम आता है। तो कैलकाटा में तो जेवियर्स अच्छा कॉलेज है ही, मेन कैंपस वाला तो अच्छा ही है, ठीक है उसी में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, शिफ्ट मत करो। अगर सेंट जेवियर्स कॉलेज में हो गए तो शिफ्ट मत करो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, एक एक कुणाल बोलो। सर सेंट जेवियर्स मतलब सिर्फ मुंबई और कोलकाता का ही अच्छा है या कहीं और का भी मतलब बेटर है, जैसे कि और ब्रांचेस भी है? मेरा हम तो मतलब कोलकाता मुंबई वाला ही सुना है, मतलब मैंने मेरा कॉलेज से देख नंबर 1 में आता ही, मतलब इंडिया में सबसे पहले तो मेरा ही कॉलेज आता है। मतलब देख हम तो नंबर, देखो अभी अभी कौन सा रैंकिंग में ये नहीं पता, लेकिन जब हम पढ़े थे तब तो नंबर 1 कॉलेज था इंडिया का। अभी पता है, अभी तो एक दिन खोज रहे थे, हम क्लास में बोल दिए कि नंबर 1 कॉलेज है, तो एक बच्चा रैंकिंग वाला फोटो भेज दिया, उसमें तो नाम ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। समझ, अच्छा कॉलेज है अभी तो है, अरे ऐसा है। अरे सेंट जेवियर्स कैलकटा बहुत अच्छा है, मेन कैंपस। यस रश्मि खेमका। सर अगर जेवियर्स कोलकाता में हो गया और डीयू का टॉप 5 6 में हो गया तो कहाँ माइग्रेट करना बेटर होगा? ना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आसाम। असम से कैलकटा आइए। दिल्ली में टॉप 5 में आपके कितना परसेंट आया है? मतलब मेरा टॉप 4 लेते हैं ना डीयू में, तो अकॉर्डिंग टू दैट 96.6 है। आई डोंट थिंक होगा, मतलब मैंने थोड़ा कम चांसेस है, मतलब ठीक है, फिर भी आप ट्राई करिए, आप अप्लाई कर दो, ठीक है। आई गेस अगर आप 96 समथिंग बोल रहे हो ना, तो आपका जेवियर्स में स्टैट्स ऑनर्स में हो सकता है, तो आप जेवियर्स में स्टैट्स मैथ्स के लिए ट्राई कीजिए, आई गेस आपका स्टैट्स से फिर मैथ्स में हो जाएगा, तो आप वो ले लीजिएगा, वो भी अच्छा है। मैंने इस तरीके से कोर्स सिलेक्शन करना, तो लोग समझो चीज को, हम क्या समझा रहे हैं। मतलब अभी जैसे 2 ऑप्शन है, तो क्यों बेमतलब का दिल्ली जाना है? कैलकटा में हम भी हैं, तो तुम लोग आराम से, मैंने अब जैसे सेंट जेवियर्स कैलकटा और दिल्ली में 1 2 3 जो एकदम ऊपर के हैं वो ठीक है, बाकी सब बराबर है, ठीक है, ये चीज है। सर संभव गोयल बोलो। मैं ये कह रहा था, अगर जैसे हम डीयू की हम देखते हैं, अगर डीयू में हमको कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते और हमको लेकिन चंडीगढ़ में उससे बेटर कॉलेजेस मिल रहे हैं पीयू के तुम अंडर, अभी कहां से बिलोंग करते हो? सर हरियाणा से, हरियाणा से? हाँ तो सर मेरे को डिस्टेंस तो सेम ही लगेगा दोनों का।
कुछ ज्यादा फर्क इट्स है नॉट नहीं। अबाउट डिस्टेंस, जैसे चंडीगढ़ में एक दो कॉलेज कौन कौन से बताओ मेरे को नाम, तो हम समझ जैसे पाएंगे। एसडी कॉलेज हो गया और डीएवी कॉलेज हो गया लाइक दिस डीएवी तो अच्छा ही तो है। सर, लेकिन जैसे नाम जैसे डीयू का ज्यादा है और डीयू में अगर हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। वैसे यही तो, अब जैसे तुम्हारा मान लो किसी भैया दीदी से है, तो मैंने तुमको पैरामीटर्स बता दिए कि किन पैरामीटर्स में तुमको सेलेक्ट करना है। तो भैया दीदी से ये पूछो, भैया कैंपस में कौन कौन सा कंपनीज आता है, प्लेसमेंट अच्छा होता है क्या, कॉलेज का कल्चर कैसे है, आपको पढ़ के जैसे देखो, हम हमेशा अपना कॉलेज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, कॉलेज कभी भी खराब नहीं था, मतलब अच्छा ही कॉलेज था। तो जो भैया दीदी है ना, वो तुमको सीरियसली अगर तुम पूछोगे तुमको सही एडवाइस देगा वो लोग। तो वो क्या है कि अगर मान लो तुम्हारा वहां पर अगर अच्छा कॉलेज है और उसमें मान लो अगर तुम्हारा इको में मैथ्स में स्टैट में हो जा रहा है, तो तुम उसमें ले लो एडमिशन, फिर क्यों जाना है। सर बट मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए ट्राई करूंगा। हाँ तो करो ना, क्या दिक्कत है। अगर मान लो बीकॉम ऑनर्स, अब जैसे मान लो रामजस है, हिंदू है, अगर इन सब में हो जाए तो फिर तुम सोच सकते हो जाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, बट उसके बाद अगर मान लो कोई है तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। हाँ ओके यस, वैदेही सर, गुप्ता। तो बीकॉम और बीबीए में कौन सा प्रेफरेबल है? नेग्लिजिबल कुछ भी ले लो, भाई भाई है दोनों। है फर्क, बट हाँ मतलब अगर दोनों में मिल गया जेवियर्स में तो कौन सा करना चाहिए? बीकॉम कर लो। देखो ये अब तुमको खुल के बता दे, ठीक है, तुम सुनी लो। अगर मान लो तुमको ओनली गर्ल्स में पढ़ना है तो तुम बीकॉम ले लो, ठीक है। दो तीन लड़का लोग ही रहता है, वो लोग भी एंड तक लड़की बन जाता है पूरा, बट ठीक है। और अगर मान लो तुमको कोएड में पढ़ना है तो तुम वो ले लो, बीबीए ले लो। ये बीएमएस सबसे बड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया रह सकता है, ठीक है। तो बीएमएस में क्या है कि जैसे यहाँ पर तुमको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स बीकॉम में, ये अपना हो गया देसी, और वहां पर पढ़ाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो ये ऐसा फर्क है दोनों में, तो बीकॉम लेना थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट ऋचा गुप्ता बोलो। सर, जेवियर्स में बीस्टैट का कट ऑफ कितना तक जाता है जेवियर्स कोलकाता में? ये डिपेंड करता है टर्म टू टर्म, और तुम लोग का तो पूरा अलग है। अरे फॉर्म का तो क्या ही लगता है, 100-200 रुपए। तुम लोग अप्लाई तो सब जगह कर दो। अप्लाई कर दिया है, बस जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैंने बीकॉम में भी अप्लाई किया, नहीं देखो, स्टैट में भी। 96 तक तो मैंने समझा है, मतलब 96 तक के आसपास रहता है, ठीक है। और तो सर फॉर एग्जांपल, अगर जेवियर्स में बीकॉम में निकल गया, लाइक मेरा 98% है, तो अगर फॉर 98, एग्जांपल, ठीक यस सर, तो अगर जेवियर्स है। में बीकॉम में निकल गया और स्टैट में नहीं निकला, और बाकी कोलकाता कॉलेजेस में स्टैट में निकल गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेसिडेंसी का भरा है, गोयनका का भरा है, तुम तो कहां से बिलोंग करती हो? मैं आसनसोल से। हाँ आसनसोल से? हाँ फिर से बोलो, तुमने क्या क्या बोला? तुमने तो अगर सपोज मेरा स्टैट नहीं निकला जेवियर्स में कोलकाता, और एसआरसीसी जैसे बीकॉम में अप्लाई किया है? हाँ मैंने अप्लाई कर दिया है, बट मेरा एसआरसीसी वो एलएसआर मिरांडा तीनों में अप्लाई किया है? एक्चुअली इस बार शायद डीयू का एक बार में अप्लाई करने से वो सारे मेरे हाँ वो केस, तो, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ ये मेरी तरफ, हाँ सब एक ही सब, ठीक है। हाँ तो वो मैंने अप्लाई कर दिया, पर मोस्ट प्रोबेबली कोलकाता ही जाना है। तो अगर मेरा स्टैट नहीं निकला जेवियर्स तो में, तुम्हारा मैथ्स में कितना है? 98, तब तो इको तो नहीं होगा तो मैथ्स स्टार्ट में। हो अगर इको में जाना है जेवियर्स में, तब तो मतलब मैथ्स में 100 में 100 चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होता है। नहीं, क्योंकि मुझे मैथ्स स्टार्ट में तो, हो हाँ स्टैट्स में जाना है तो फिर स्टैट्स में तुम्हारा हो जाएगा, 98 में हो जाएगा। जाएगा। हाँ स्टैट्स ऑनर्स में हो जाएगा। ओके ओके सर, अगर इन केस नहीं हुआ तो मुझे जेवियर्स में बीकॉम लेना चाहिए या फिर प्रेसिडेंसी जैसे कॉलेजेस में स्टार्ट लेना चाहिए? देखो मैं सच बताऊं तो प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत अच्छा है। हाँ हर्ष बोलो। सर एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि अगर हम बीसीए करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उससे एक्चुअली में कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन अभी एसआरसीसी का भी है बीकॉम ऑनर्स करने का या फिर इको ऑनर्स करने का, बट थोड़ा कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं एक बार तुम्हारा पूछना कितना चाह आया रहा है था। मेरी 98.5 टॉप 4 में। एसआरसीसी? जो बीसीए से मत करो। बीसीए में कोई मतलब चांस नहीं है अरे एक्चुअली का? ये अलग चीज हो गया, तुमको कंप्यूटर भी सीखना तो एनालिटिक्स फील्ड में जाओ ना, बीसी अलग चीज हो गया। ओके तुम तो समझा बीसी बीकॉम, क्या, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ? वो टॉप लेवल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, बीसी उसका कम वाला हो गया। तुम और एकदम एकदम आज लोकल लैंग्वेज समझेगा तो पाती बेसिकली, तो उतना दिमाग क्यों लगा रहे हो उसमें? तो अगर तुमको एनालिटिक्स, तुमको मेन अगर तुमको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो तुम डेटा एनालिटिक्स वाले फील्ड में जाओ, एक्चुअरीज एंड डेटा एनालिटिक्स।
ओके, तो एक्चुअली में आगे स्पेशलाइजेशन होता है क्या कि डेटा हाँ एनालिटिक्स मैंने में? इसमें क्या है कि अभी तुमको सॉफ्टवेयर तो वगैरह तुम लोग सिखाएंगे, आर है, एक्सेल है, और आगे हम लोग का तुम कोर्स कर सकते हो। देखो हम लोग का जो कोर्स है ना वो तुमको एक अच्छे लेवल तक लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद में क्या है कि मान लो तुम्हारा एक्चुअली एसोसिएट तक हो गया, ठीक है, अगर मान लो जैसे तुम्हारा एसोसिएट तक हो गया, उसके 10 पेपर क्लियर कर लिए, उसके बाद तुम मास्टर्स करने जा सकते हो। जैसे शिवांगी मैम है, शिवांगी मैम ने एक्चुअली इसके 11 पेपर क्लियर किए और अभी उन्होंने मास्टर्स किया IIM इंदौर से। तो अगर उनको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, एंड लाइक वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, तुम फॉरेन भी जा सकते हो, तो उस फील्ड में क्या ज्यादा पैसा है कंपेयर टू ये वाला। नहीं तो फिर तो तुम बीकॉम वगैरह में जाओ ही मत। तुम चीज समझो, अगर मान लो मैं बोलूंगा बीसीए और एक्चुअरीज का कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, बीसीए बेसिकली बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारा ऐप वगैरह तुमको कुछ भी बनाना हुआ, कंप्यूटर का सारा नॉलेज बेसिकली, ये अलग चीज हो गया। और एक होता है कि सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना, तो उस फील्ड में जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। सर, मैंने तो 10 साल बाद कुछ नहीं रहेगा, खाली डेटा एनालिटिक्स ही रहेगा, मतलब बहुत बहुत अच्छा ग्रोइंग फील्ड है। मतलब ओके, तो सर मतलब अगर मैं आपसे सजेशन मांगना चाहूँ तो अभी बीकॉम ऑनर्स इन SRCC ट्राई करें या फिर मतलब तो वो सही रहेगा कोर्स इसके साथ? बीकॉम ऑनर्स की एक SRCC में तो जो मिल जाए भाई, इको 98.5 पे इकोनर्स थोड़ा में। डिफिकल्ट लग रहा हाँ है। इको तुम्हारा जैसे 99.25 समथिंग के आसपास रहता है, बट हो जाए तो बढ़िया ही है। बीकॉम तुम्हारा हो जाएगा, ओके, थैंक यू बीकॉम हो सर। जाना चाहिए, ठीक है। यस हेलो, गुड आफ्टरनून हाँ सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर अगर IIM रोहतक में मिल जाता है तो उसमें लेना चाहिए क्योंकि मेरे उसमें उसका जो टाइम 4 ईयर्स वाला बोल रहे हो, 5 years वाला सर। 5 ईयर्स वाला इंटीग्रेटेड यस सर, IIM, फिर से बोलो, IIM रोहतक तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? सर। मैं हरियाणा से, हरियाणा से। रोहतक कहाँ हुआ, मतलब तुमको आइडिया नहीं है? मतलब 2 ढाई घंटे का रास्ता है सर। अच्छा, और तुम्हारा कितना है परसेंटेज वगैरह? सर परसेंटेज 97 है सर। तो बाकी सब जगह ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है। मतलब ठीक है सर, क्योंकि 5 साल सर वाला थोड़ा लंबा हो जाता है यार। एक एक ये वाला बढ़िया है, इंदौर का बढ़िया है, तुम्हारा उसमें ट्राई किया ओके है? नहीं सर, उस ट्राई किया था लेकिन एंट्रेंस अभी रोहतक का ही क्लियर हुआ था सर। हाँ तो इंदौर का थोड़ा बढ़िया है उसका, इंदौर और शायद कोझीकोड, इंदौर का बढ़िया है मैंने सुना है, हाँ जी ठीक सर, है। हाँ यस रितिका बोलो। अगर सेंट जेवियर्स कोलकाता और दिल्ली का ये मिरांडा हाउस या LSR या SRCC में हो जाएगा तो दिल्ली जाना बेटर ऑप्शन रहेगा, कौन कौन से ऑप्शंस तुमको तुम कंपेयर कर रहा है? सेंट जेवियर्स कोलकाता एंड दिल्ली का टॉप मैंने पे? कौन सा डिपार्टमेंट, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम कहाँ कहाँ का बोलो तो? दिल्ली का टॉप 5 एंड कोलकाता का सेंट जेवियर्स। SRCC में हो तो ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई शिफ्ट करके कोई मतलब नहीं एंड अगर है। आई हैव वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, लाइक शी हैज डन प्रेसिडेंसी से इको ऑनर्स, सो आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू, मतलब अगर किसी का भी ऐसा है ना कैलकटा में, अगर उसको इको ऑनर्स सेवियर्स नहीं मिलता है तो आप लोग लाइक प्रेसिडेंसी में ट्राई कर सकते हो। और एक और कॉलेज है, गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। तो ये दोनों में आप लोग, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मान लो आपको SRCC में मिल जाता है तो ही आप जाना शिफ्ट करना, वरना आप शिफ्ट मत करना, ठीक है। तो LSR को भी ऑप्शन में नहीं ले, लेडी श्रीराम या मिरांडा नॉट हाउस? रिक्वायर्ड, नहीं, फिर तो सब एक ही है, मैं तुमको बोला ना फिर तो सब एक ही हाँ है। हाँ यस बोलो, वृद्धि बोलो। सर, SRCC और LSR के बाद NM कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए या वहां पे रामजस और हंसराज वगैरह कॉलेजेस को? नरसिमुंजी में कौन सा डिपार्टमेंट? बीकॉम ऑनर्स ही या बीकॉम ऑनर्स। बैचलर्स इन तुम कहाँ से अकाउंटेंसी? बिलोंग कर रही हो? नागपुर। मतलब मेरी, मैं ट्विंस हूँ तो मेरी ट्विन सिस्टर मुंबई में पढ़ रही है अभी, मतलब उसने वहां पे एडमिशन लिया है और मेरा 98.75% आया है 12th में। नहीं, तुम लोग दोनों का सेम, माने मतलब तुम वो भी 12th पे भी पास किए? नहीं, हाँ पर वो फैशन डिजाइनिंग कर रही है और मेरे को मुझे लगा तुम लोग दोनों कंप्यूटर। एक ही जन कोर्स बैठ जाता होगा तो कैसे समझ में आएगा, मतलब नहीं दोनों नहीं जन। अच्छा ठीक है, तब फिर ठीक है, कोर्स ही अलग है तब फिर ठीक है, ऐसा सोचना पड़ता है हम लोग को हर तरीके से। नहीं, आप NM में ले लीजिए, NM इज गुड, NM इज वेरी गुड कॉलेज।
और सर SRCC 98.75% पे मिलने के क्या चांसेस बीकॉम में? मिल सकता है, मिल सकता है बीकॉम में। ठीक है सर। यस नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, अगर जेवियर्स कोलकाता में हो जाए या फिर मतलब तो राजस्थान से माइग्रेट करना सही रहेगा, मतलब एक्चुअलीज बीकॉम ऑनर्स या फिर स्टैट्स ऑनर्स ये और फिर माइग्रेट करना साथ में? आपने अप्लाई किया है सेंट जेवियर्स कोलकाता में? हाँ अप्लाई तो कर दिया। हाँ ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे 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 कोलकाता में आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको आप दोपहर में सो सकते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। अगर आप बीकॉम, मैंने एक और एडवांटेज बीकॉम को बताया नहीं है, बीकॉम का कॉलेज जो है आपका 4 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या है कि आप मतलब 1 बजे तक खाना वाना खा के आप 2-3 घंटे सो के फिर आप कॉलेज जा सकते हो। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बीकॉम का जो इको का नहीं है। सर जैसे तो अभी आपने बताया कि इको ऑनर्स वाले को 100 on 100 चाहिए अगर जेवियर्स में, मैथ्स क्योंकि जेवियर्स में 2 बार काउंट होता है इसीलिए। हाँ। एक आपका मैथ्स 50% वेटेज तो रहता ही है, मैंने बेसिकली नॉट एग्जैक्टली 100 बट यस 100 वालों का ही होता है मतलब। बट अगर 96.28 बन रहा है जैसे जेवियर्स के अंदर अपने जैसे भी कैलकुलेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 96.28 बन रहा है मतलब। नहीं, जेवियर्स इको इज वेरी डिफिकल्ट, जेवियर्स इको नंबर 1 हो गया मतलब, बहुत डिफिकल्ट है मिलना तो चांसेस बहुत, अगर हल्का सा भी दया में तो जेवियर्स इको में नहीं होगा। और ट्राई कर लो, अप्लाई तो करके रखो और जेवियर्स बीकॉम मिले तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर स्टैट्स हो तो? हाँ तो भी आप आ सकते हैं। सेंट जेवियर्स कलकत्ता इज अ वेरी गुड कॉलेज, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। मतलब हॉस्टल वगैरह में रहना सब कुछ एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा अरेंज करवा दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे घर पे रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलते है की खाना वाना का कोई दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। बोलते ना कि टीचर्स वगैरह क्लासेस में नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती, लाइक टाइम। कौन बोला आपको ये बात? मतलब मेरे जितने बड़े भैया और है लाइक वो तो जेवियर्स कोलकाता में, वो लोग बीकानेर से पढ़े हैं बट उन लोगों ने ऐसा सुना है कि पढ़ाई नहीं होती, टाइम वेस्ट होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, सब हाईली क्वालिफाइड टीचर है। आपको पता है मेरा एक टीचर था, वो फर्स्ट ईयर में टैक्स पढ़ाया, सेकंड ईयर में कॉस्ट पढ़ाया, थर्ड ईयर में कुछ और पढ़ा रहा था, मतलब एक ही टीचर सारा चीज पढ़ाता है, इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं, तो उनको सब चीज का नॉलेज रहता है। यस बुद्धिशा नंदा बोलो। गुड आफ्टरनून सर। देयर आई रिसेंटली टुक एडमिशन इन बीएससी एक्चुअरियल साइंस, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? वेयर सर? एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, इट बहुत अच्छा है। ओके सर। नहीं अच्छा है, वहां से भी मतलब बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, देख यू कैन कंसीडर दैट एज वेल, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, मतलब अभी काफी अच्छा कर रहे हैं, मतलब दे आर आल्सो ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस एंड फॉर द गेस्ट लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, इट्स वेरी गुड। यस कशिश बोलो। सर बीएससी इको या बीएससी स्टैट्स अगर हम लोग लेते हैं तो उसके साथ एक्चुअरीज का वो दोनों पैरेलली डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा थोड़ा? मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हेल्प बट उसके बाद लाइक जैसे कुछ कुछ पेपर्स में तो इट वोंट हेल्प राइट? उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आपका हेल्प होगा और तो पढ़ना तो जो पढ़ना ही पड़ेगा, उपाय क्या है उसका? आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, अगर आप ले रहे हो तो, अगर आपको लग रहा है प्रेशर, ऑब्वियस बात है मतलब स्टैट्स का तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होगा ना। अच्छा, थोड़ा तो ज्यादा होता ही है मतलब वो चीज है। ओके यस यस बोलो कुणाल। सर जो इको ऑनर्स होता है उसे तो मतलब बेसिकली बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना? नहीं डिपेंड करता है, अगर कॉलेज बीएससी जैसे जेवियर्स में बीएससी का डिग्री मिलता है, दिल्ली में बीए का डिग्री मिलता है, तो मतलब कॉमर्स के लिए भी वो सेम ही रहता है बीए या बीएससी? कॉमर्स कॉमर्स मतलब तो 12th से कॉमर्स जिसने पास बीकॉम? नहीं जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नॉर्मल बीए और बीएससी जैसा आप बता रहे हो है ना, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मतलब बीए ऑनर्स ही हुआ एक तरीके से, अगर दिल्ली वगैरह में, दिल्ली में हाँ बीए देता है, जेवियर्स में बीएससी देता है, तो जिसने 12th कॉमर्स से पास करा मतलब उसकी भी डिग्री बीए के नाम से आएगी? हाँ तो 12th से क्या पढ़ा उससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ये तो यूनिवर्सिटी से फर्क पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी को वो डिग्री देगा तुमको, तुम 12th कॉमर्स लेके पढ़ा जेवियर्स तुमको बीएससी का डिग्री देगा। हाँ नेक्स्ट।
बोलो और कोई कोई भी क्वेरी? यस, सर एक्सेल क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? टाइम लगेगा अभी, रुको, अभी तो पहले हम 3-4 क्लास लेंगे। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास रखेंगे वेडनेसडे या फिर ट्यूजडे को, बता देंगे हम। यस संभव, बोलो। सर सेंट जेवियर में बीकॉम ऑनर्स के लिए 94.2 में हो सकता है, पॉसिबल हो है? सकता है, हाँ, 94.94-95 में हो जाएगा। हाँ यस हेलो वृद्धि, सर, बोलो। यस सर बीकॉम ऑनर्स अगर हम लोग लेते हैं कोई भी कॉलेज से या सपोज सेंट जेवियर्स ओनली, उसके साथ अगर सीए करे तो इट विल बी फाइन? मतलब मतलब बीकॉम तो ले रहे हैं बट सीए करे तो चलेगा उसके साथ? आप तो एक्चुअली कर रहे हो ना, नहीं, एक्चुअली इसका इज जस्ट एन ओवरव्यू, जस्ट आस्किंग लाइक दैट, अगर सीए करते हैं तो बीकॉम ऑनर्स या फिर बीएससी इको कौन सा बीएससी लेना के संग बेटर आप सीए रहेगा? नहीं कर सकते हैं, बीएससी का टाइमिंग के संग आप सीए नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ओके बहुत वेट करना पड़ेगा, पहला 2 लेवल दे सकते हैं, फिर आपको आर्टिकलशिप के लिए वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आर्टिकलशिप के पीरियड में टाइम में आप कोई कॉलेज वगैरह नहीं अटेंड कर सकते, और बीएससी का टाइम होता है 10 से 5, विच इज ऑफिस टाइम। ठीक अच्छा है, यस और बोलो। यस सर, जैसे हाँ मतलब एक आपका व्यू चाहिए था कि एंटरप्रेन्योर बनना है तो ज्यादा अच्छा बैकअप प्रोफेशनल कोर्स सीए है या एक्चुअरीज है? सीए एक्चुअली बहुत स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज देता है, सीए आपको बहुत अच्छा नॉलेज देता है, ओवरव्यू बहुत अच्छा है सीए का, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कुछ पढ़ने का दरकार ही नहीं है, बट हाँ लाइक आपको टैक्स का, लॉ का, ऑडिट का, आप बेसिकली सारा चीज सीख पाओगे मतलब, तो डेफिनेटली बिजनेस मीन्स आप सीए हो तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे। सर सीए एक्चुरीज और एसआरसीसी साथ साथ ऐसे, मतलब अगर नहीं होगा, टाइम इतना ज्यादा सारा चीज लेके नहीं नहीं होता एक पढ़ता साथ। है तो? नहीं, वंडर वुमेन कर सकती है सर, सीए भी, एक्चुअरीज भी, और एसआरसीसी भी। बाप रे बाप, इतनी भारी धनराशि का आप क्या करेंगे। हाँ और कोई नेक्स्ट? यस हाँ तो बी स्टार्ट रेडियस में हो जाएगा क्या? 97.2 में? हाँ स्टैटिस्टिक्स तो यस, 97.2 हाँ हाँ कोलकाता हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ बोलो श्रेय, बोलो में। सर आपको टफेस्ट पेपर कौन सा लगा जितना दिया एक्चुअरीज का, मतलब क्या आपको टफेस्ट पेपर कौन सा लगा सर, आप जितना भी एग्जाम दिया एक्चुअरीज का? टफ तो कुछ है ही नहीं भाई, टफ सर आप अलग हो ना, हम लोग अलग है ना, आपके लिए अलग होता है हम क्या लोग। है, तुम आराम से पढ़ते जाओ, और क्या, टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, अगर एक जो 2-3 लोग जो पूछ रहे थे लाइक यू कैन ऑल्सो कंसिडर भवानीपुर इकोनॉमिक्स ऑनर्स एज वेल, ठीक है, तो भवानीपुर कॉलेज का भी इको ऑनर्स इज गुड फॉर कैलकटा स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग। ओके सो उसमें भी आप लोग का भी अटेंडेंस वगैरह पूरा प्रॉपर हो गया एकदम पूरा। हाँ यस हाँ बोलो तनीषा, बोलो। जैसे अगर जेवियर्स कोलकाता में नहीं होता और दिल्ली की टॉप कॉलेजेस में भी नहीं होगा उसमें, तो आपका कितना फिर परसेंट आया है? मेरा वैसे 96.66 हो जाएगा, बीकॉम में तो आराम से होगा आपका। मेरे को वैसे इकोनॉमिक्स ही करना था, मतलब बीकॉम तो अच्छा आपने, हाँ अच्छा मेरे को वैसे इकोनॉमिक्स हाँ करना, मेरी हाँ प्रेफरेंस, हाँ तो उसमें तो नहीं होगा, तो फिर माइग्रेट करना सही रहेगा? लाइक मैं राजस्थान में हूँ, नहीं तो फिर अगर आपको नहीं होगा तो फिर तो क्या, क्यों माइग्रेट मतलब करोगे आप? बीकानेर में हूँ तो वहां पे तो कोई भी कॉलेज अच्छी नहीं है, मतलब कोई भी अच्छी नहीं है, लाइक फिर वहां पे आप देखिए रेगुलरली मतलब जा यहाँ नहीं। पर जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंसी है, और आपका भवानीपुर है, शिक्षा आयतन है, तो ये सारी कॉलेजेस अच्छी है मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। ओके ठीक है ओके ठीक है।